चौथे मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं हम। ये मार्ग है MBBS इन अ कैरिबियन मेडिकल स्कूल विथ PG इन USA। इस मार्ग के बारे में चर्चा करने से पहले इसका भी एक वीडियो मैं आपको दिखाऊं जो विजुअलाइजेशन में सरल होगा। बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर मार्ग है ये। 4-lane हाईवे मिलेगा आपको। हर जगह चेक पॉइंट से हर चेक पॉइंट पे आपको सहायता मिलेगी। कहीं पर आप अटकोगे नहीं। अगर अटक गए तो हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। बहुत ही सरलता से आप इस मार्ग पे ऊपर चोटी पे शिखर पर पहुंच जाओगे। सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए इससे ज्यादा सुगम, इससे ज्यादा बेहतरीन मार्ग और कोई भी नहीं है। मेरा गला और तबीयत थोड़ी खराब है तो बीच बीच में थोड़ा नींबू पानी पीना पड़ रहा है मुझे, तो माफ करें मुझे बीच में। अब इस मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं हम आगे। MBBS इन अ कैरिबियन मेडिकल कॉलेज विद PG इन USA। इसको भी सरलता से समझने के लिए फिर से हम हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। लेट अस सी हमने इंस्टाग्राम पे इस मार्ग के बारे में क्या लिखा है। सबसे पहले तो ये बेस्ट बात है, आपको जिंदगी में अगर सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो इससे सुगम, इससे निराला मार्ग और कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना है एक 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी थ्रू जोरदा एजुकेशन। इससे आपको 40% स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप 16 महीने का प्रीमेड करोगे, फिर आप ऑटोमेटिकली मैट्रिकुलेट कर जाओगे 4-year MD प्रोग्राम में। आपका एडमिशन हो गया गारंटीड MD में और ये ऑटोमेटिक है, सक्सेसफुल। जैसे ही आप प्रीमेड में हो जाओगे सीधा आपको MD में एडमिशन मिल जाएगा। फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एट स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी एडमिशन इन द MD प्रोग्राम इज गारंटीड एंड सो इज इन द प्रीमेड प्रोग्राम। प्लस यू गेट अ 40% स्कॉलरशिप। स्टेप 1, 16 months of pre-med, which would give you the 90 credit hours of college level study. ये आपकी minimum eligibility criteria पूरी कर देगा। हाँ, अगर कोई student चाहे तो वो 16 महीने की जगह 24 महीने complete करके full BSc degree भी ले सकता है। अब आप automatically matriculate कर जाओगे 4-year MD program में। अब ये 4-year MD program, जैसे हमने MBBS in USA के mark के बारे में देखा, it is divided into 2 parts. बेसिक साइंसेस 2 साल का एंड 2 years ऑफ क्लिनिकल साइंसेस। जैसे ही प्रीमेड कंप्लीट होगा आप 2 साल बेसिक साइंसेस करोगे स्पार्टन हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी के मल्टी मिलियन डॉलर कैंपस जो कि सेंट लुसिया में है वहां पर। तीसरा स्टेप, आप USMLE स्टेप 1 के लिए एग्जाम दोगे। 40 साल पुराना कॉलेज है ये, 40 साल से एक्सपीरियंस है स्पार्टन को क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन देने में। इस 40 साल की एवरेज ये है कि मोर देन 90% ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे क्लियर स्टेप 1 इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो USMLE स्टेप 1 मोर और लेस एवरीबॉडी इज गोइंग टू क्लियर। अब आता है ऑपरेटिव पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद यू आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पाथ एज MBBS इन USA स्टूडेंट्स। जो लोग अमेरिका की मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो अब आप उनके हमराही बन गए हो, वही मार्ग पे चल रहे हो, उन्हीं के साथ चल रहे हो। सॉरी। चौथा जो स्टेप आएगा आपका वो ये होगा कि अब आप 2 साल क्लिनिकल रोटेशन करोगे वही सेम ACGME अप्रूव्ड टीचिंग हॉस्पिटल में जहां पर अमेरिका के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स क्लिनिकल रोटेशंस कंप्लीट करते हैं उन्हीं के साथ। इसके बाद अब तो सेम ही पार्ट हो गया, सेम ही मार्ग हो गया। अब आप स्टेप 2 की एग्जाम दोगे, विच अगेन मोर और लेस एवरीबॉडी वुड क्लियर। फिर आप PG या रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करोगे, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम आपको सहायता देंगे, साथ साथ आपको स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी भी तैयार करेगा। यू हो नाउ यू आर रेडी फॉर योर 3 to 5 years ऑफ रेसिडेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। प्लीज नोट, 40 साल का एवरेज ये है स्पार्टन का कि मोर देन 87% स्पार्टन ग्रेजुएट्स दे गेट PG और रेसिडेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि 2020 में
100% of Spartan students who applied for PG in United States, they got PG in United States. Again, I want to remind you, okay, PG in USA is absolutely free, which means आपको कोई भी ट्यूशन फी नहीं देनी है. उसके अतिरिक्त, उसके ऊपर आपको सालाना मिनिमम $50,000 यानी कि 35 लाख रुपए एक साल का पीजी पढ़ते पढ़ते मिलेगा एज स्टाइफंड. और जैसे ही आपका पीजी खत्म हो जाएगा, आपकी मिनिमम सैलरी होगी $200,000 विच इज अबाउट 1.4 crore इंडियन रुपीस. और याद रहे ये मिनिमम है, मिनिमम इतना मिलता है. 3 से 4 साल में तो ज्यादातर डॉक्टर्स वहां पर $500,000 to $1 million पर ईयर कमाते हैं. विद स्पेसिफिक सपोर्ट स्ट्रक्चर डिजाइंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बाय स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी एंड गाइडेंस बाय जोरदा एजुकेशन. प्लीज नोट दैट दिस इज द सिंपलेस्ट पाथ टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर इन USA and of course globally too. अब वापस से हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे और इस मार्क की चर्चा आगे बढ़ाते हैं. At the risk of repeating myself, मैं फिर से याद दिलाऊं क्योंकि ये बहुत जरूरी है. हमने आगे के odds देखे कैसे थे. इंडिया में पीजी चाहिए तो टॉप 5% में आओ, रशिया से आ रहे हो तो टॉप 1% में आओ. यहाँ पर 87% लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएस में पीजी मिल जाता है. फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि 2020 में 100% स्पार्टन स्टूडेंट्स को यूएस में पीजी मिला है. दिस गिव्स यू अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी, अद्भुत अपॉर्चुनिटी आपको एक प्राप्त हो रही है यहाँ से कि आपने जितना भी खर्च किया है MBBS के दौरान, यू कैन अर्न ऑल दैट बैक. एंड दैट इज ऑल्सो कब, जब आप पीजी कर रहे हो. पीजी करते करते, पढ़ाई करते करते आपने जितना भी खर्चा किया है वो आप सारा वापस कमा लोगे. एक और पॉइंट भी आपको ध्यान में लेने जैसा है, टाइम आप देखिए. अगर आप रशिया में जा रहे हो तो 6 साल पढ़ाई करोगे, कब पीजी करोगे. इंडिया में जा रहे हो 5.5 साल पढ़ाई करोगे पहले, फिर कब पीजी करोगे. पीजी के लिए कितनी प्रिपरेशन करोगे. यहाँ पर 5 साल में आपका MBBS कंप्लीट, 3 साल में आपका पीजी कंप्लीट, 8 साल में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट. आप पीजी डॉक्टर, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाओगे. MBBS डायरेक्ट अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस में करोगे तो 4 साल BSc, फिर 4 साल MBBS और फिर 3 से 5 साल का पीजी. इसीलिए मैंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये मार्ग सबसे सुगम है, सबसे सरल है. आगे और देखते हैं. 22 से 23 साल की उम्र में जैसे ही MBBS कंप्लीट करते हैं हमारे स्पार्टन के स्टूडेंट्स, ये लोग 35 लाख रुपए एक साल का कमाना शुरू कर देते. 25 से 28 साल की उम्र में पीजी कंप्लीट करते ही हमारे स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना कमाना शुरू कर देते हैं. क्या किसी भी और मार्ग में ये प्रोस्पेक्ट्स है? इज दिस पॉसिबल इन एनी ऑफ द अदर पाथ्स? शायद आप ये कमा पाओ लेकिन 50 साल या 60 साल की उम्र में. क्या कोई और मार्ग इससे सरल है? मुझे तो नहीं लग रहा. अगर है, आपको लग रहा है, तो आप ऑड्स कैलकुलेट करें, चांसेस कैलकुलेट करें, कौन से मार्क से आप इजीली और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाओगे. आगे और हम देखते हैं कि एक रिवाइज करने के लिए यही जो हमने देखा था स्टेप्स बता रहा हूं आपको. स्पार्टन में एडमिशन लेने के क्या स्टेप्स है? सबसे पहले तो आप प्री मेड स्पार्टन में लोगे, वो कंप्लीट कर दोगे. उसके बाद ऑटोमेटिक गारंटीड एडमिशन मिलेगा आपको बेसिक साइंस में. 2 साल आप कंप्लीट करोगे, फिर स्टेप वन दोगे. स्टेप वन के बाद वही हॉस्पिटल में जो यूएस में स्थित है, वही यूएसए की हॉस्पिटल में जो ACGME अप्रूव्ड है, जिसके रोटेशंस ग्रीन बुक है, जहां पर अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो अपना क्लिनिकल रोटेशंस कंप्लीट करेंगे, वहीं पर आप क्लिनिकल रोटेशंस कंप्लीट करोगे. इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा भार दे रहा हूं, ये मैं बाद में बताऊंगा. यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. फिर आप स्टेप टू की एग्जाम दोगे. स्टेप टू की एग्जाम के बाद आपको MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री मिलेगी स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी से. फिर हम आपको सहायता करेंगे पीजी में अप्लाई करने के लिए. पीजी स्पार्टन के स्टूडेंट्स को 87% से ज्यादा स्पार्टन स्टूडेंट्स को, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बट ये आपके दिमाग में घर कर जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, अनिवार्य है.
कि हमारे 87% बच्चों को, और ये 1-2-3 साल के एवरेज नहीं है, ये 40 साल से एवरेज है, आजकल का कॉलेज नहीं है ये, 40 साल का एवरेज ये है कि 87% से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स को यूएस में पहली ही कोशिश में पीजी मिल जाता है। फिर आप स्टेप 3 की एग्जाम दो एंड देयर यू आर, नाउ यू कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन यूएसए। ये स्टेप्स है हमारे। ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों को सता रहा है नीट का। सबसे ज्यादा लोग मुझे आजकल नीट का क्वेश्चन पूछते हैं। आई अंडरस्टैंड के अभी वातावरण ऐसा है, दिस एंटायर कोविड पेंडेमिक सिचुएशन एंड द टेंस्ड एनवायरनमेंट, क्वाइट अ लॉट ऑफ यू आर वरीड अबाउट योर नीट परफॉर्मेंस। प्लीज डू नॉट बी वरीड। स्टडिंग एट स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी फॉलोड बाय अ पीजी इन यूनाइटेड स्टेट्स will qualify you to practice as a doctor in India too, irrespective of the fact whether you appeared for NEET examination or not, irrespective of the fact whether you got eligibility in NEET or not. ये कैसे? तो मैं बताऊँ आपको। Indian government या MCI ने 5 countries का PG recognize किया है। ये 5 countries है USA, UK, Canada, Australia and New Zealand. अगर आप इन 5 देश में से किसी भी देश में पीजी कंप्लीट करते हो, रेसिडेंसी कंप्लीट कर लेते हो, तब आप इंडिया में वापस आके डायरेक्टली एज अ पीजी डॉक्टर रजिस्टर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आपने नीट की एग्जाम ना भी दी हो तब भी, चाहे आप नीट की एग्जाम में एलिजिबिलिटी ना ला पाए हो तब भी। और एक और पॉइंट है, अगर आपने इन 5 देशों में से पीजी कंप्लीट कर लिया तो आपको इंडिया में वापस आके MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं देना है। डायरेक्टली यू कैन रजिस्टर एज अ पीजी डॉक्टर। MCI स्क्रीनिंग टेस्ट अभी हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम, सो आपको वो एग्जाम देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और टेक्निकल पॉइंट मैं क्लियर कर दूं। इस मार्ग में आपको एक चांस और मिलेगा नीट एग्जाम देने का। इसके लिए मैं वापस से एक स्लाइड पीछे आ गया। आपका जो MBBS का प्रोग्राम है वो यहाँ से शुरू होता है, 4-year MD प्रोग्राम। उससे पहले टेक्निकली आप BSc कर रहे हो, भले ही आपको स्पार्टन से एडमिशन लेटर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मिलता है जिसमें प्रीमेड प्लस MD आ जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं 2 अलग-अलग एडमिशन लेटर भी निकलवा सकता हूँ, जिसमें से पहला प्रीमेड या BSc का हो और दूसरा MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो कि MBBS से हो। क्योंकि आप पहले BSc पढ़ रहे हो तो आप BSc पढ़ते पढ़ते आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो और 1 साल बाद इंडिया वापस आके नीट की एग्जाम आप फिर से देके उसमें एलिजिबिलिटी ले सकते हो। यद्यपि मैं ये चाहता नहीं हूँ कि कोई भी वापस आए, क्या फायदा है नीट की एग्जाम देने का? क्या मिलेगा आपको इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करके यहाँ पर PG के डॉक्टरों के साथ कॉम्पिटिशन करने का? बेहतर है कि आप कोई भी सेफ्टी नेट के बिना बिल्कुल दृढ़ संकल्प से जाए कि मुझे टॉप 87% स्पार्टन स्टूडेंट्स में आना है, यूएस में पीजी करना है। यूएस में पीजी कर लिया तो नीट का आपका प्रश्न ही समाप्त हो गया और साथ साथ MCI स्क्रीनिंग टेस्ट या तो फिर अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका भी प्रश्न समाप्त हो गया। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में दूंगा। मैं अब ये प्रेजेंटेशन को आई विल जस्ट ब्रीज थ्रू इट और 15 से 20 मिनट के दौर अंदर अंदर मैं ये मेरा जो बोलना है वो समाप्त कर दूंगा और फिर आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। जब तक आपके सवालों के जवाब ना दे दूं तब तक मैं आपके साथ ही हूँ, आप कोई फिक्र ना करें। और नीट के बारे में और डिटेल में जानकारी मैं जानता हूँ आप सभी लोगों को चाहिए होगी तो आप मुझसे पूछें। हाँ, एक पॉइंट बता दूं मैं कि नीट जो है ये एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जिसका मतलब के 16 लाख लोग इस बार, शायद 13 से 14 लाख लोगों ने अपीयर किया, 16 लाख ने रजिस्टर किया था, कुछ 3 लाख के 2 लाख के लोग आसपास ये कोविड की वजह से शायद अपीयर नहीं कर पाए। तो इंडिया में MBBS में एडमिशन लेने के लिए तो नीट बिल्कुल नितांत आवश्यक है, उसके बेसिस पर ही आपको इंडिया में एडमिशन मिलेगा और ये जो 16 लाख में से टॉप 80,000 होंगे उनको MBBS में एडमिशन। क्योंकि ये एलिजिबिलिटी एग्जाम भी है इंडियन गवर्नमेंट की, इसीलिए आप कहीं पर भी एडमिशन लेते हो MBBS में, उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनिवार्य कर दिया है कि आपको नीट में एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
टेक्निकली आपको रशिया, चाइना, यूक्रेन या कहीं पर भी एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट आवश्यक नहीं है, क्योंकि नीट तो इंडियन गवर्नमेंट की एग्जाम है। लेकिन अगर आप रशिया, चाइना, यूक्रेन या इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, इस दुनिया में कहीं पर भी एमबीबीएस पढ़ने चले गए, आपको एडमिशन मिल भी गया विदाउट नीट, तो आप वापस इंडिया आके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नीट ही है। इसका एक ही तोड़ है, एक ही उपाय है, और वो उपाय है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। इस पांच में से किसी एक कंट्री में आपको पीजी कंप्लीट करना है, और इसमें सहायक होगा आपके लिए स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी। हमारे 87% से ज्यादा लोगों को यूएस में पीजी मिलता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट आई फील इमेंस प्राइड, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो नीट का प्रश्न भी आपका समाप्त हो जाएगा इस मार्ग में। और भी कोई प्रश्न होंगे तो हम उसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अद्भुत कोट है ये बुद्ध का। बुद्ध ने अपने मार्ग के लिए, अपने सत्य के मार्ग के लिए बुद्ध ने ये कहा है कि बुद्ध के मार्ग में सिर्फ दो त्रुटि रह सकती है, सिर्फ दो ही कमी हो सकती है, या तो कोई इस मार्ग पे चलना शुरू ना करे, और या फिर इस मार्ग पे पूरा चले नहीं। मैं भी आज आप सभी लोगों से एक ही बात, यही बात कहना चाहूंगा, और ये बात मैं बहुत ही ज्यादा समझकर, कॉन्फिडेंस से, जानकर कह रहा हूँ। मैंने जो आपको ये मार्ग दिखाया है, MBBS इन स्पार्टन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी विद PG इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस मार्ग में भी सिर्फ दो ही त्रुटियां रह सकती है, या तो आप पूरा चले नहीं, और या आप चलना शुरू ना करें। तो ये भी आप बिल्कुल आपके जहन में रखें।